ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा इन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है राहुल गांधी जी, लड़ रहा है। राहुल गांधी को अटैक करे तो उनको कैसे ही दबाने का काम है, क्योंकि तो इनके सामने कोई ना हो जाए लड़ने के लिए आने वाला है। और राहुल गांधी जी भी इसके लिए टकेगा नहीं है और ज़्यादा का काम करेगा कि देंगे मेरे लिखा मुझे सरकार को उठा के। हंड्रेड परसेंट महाराष्ट्र में देखते रहना सरकार आएगा। अभी कर्नाटक में लोकल बॉडी चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के 6 दिन के अंदर राजस्थान में चुनाव हुआ, सबसे ज़्यादा बहुमत कांग्रेस को मिले, कई कई दूर तक बीजेपी नहीं है। 100% हम लोग को उम्मीद है, कार्यकर्ता भी सब लोग उत्साहित है, सब लोग ने बूथ लेवल में काम कर रहे हैं। इस बार हमारा संकल्प लाइक महाराष्ट्र को बचाना है, इस देश को बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, तो यहाँ कांग्रेस आना चाहिए। श्रीनिवासन जी, भाजपा पार्टी हमेशा बात करती है कि वो गरीबों के लिए काम करती है, अच्छे दिन लाने के काम। कभी उन्होंने जो बजट पेश किया है, उनका जो पहला बजट है सरकार करने के बाद, आपने उस बजट को देखा, आपको क्या लगता है ये जनता के हित में है? लास्ट 5 साल में क्या क्या बजट दिया आप भी देखा है। 2 करोड़ का नौकरी बोला था साल में, 5 साल में 10 करोड़ नौकरी आज तक मिला नहीं है। अच्छे दिन का बात हुआ था, अच्छे दिन उनका मंत्री लोग को आया है, अच्छे दिन और किसी का मंत्री को अच्छे, किसी नौजवान को, किसी आम आदमी को, गरीब को, किसी को अच्छे दिन आया नहीं है। आप देख सकते हैं अमित शाह का बेटा अजय शाह, उनका कंपनी में 50,000 लगा के 80 करोड़ कमा सकते हैं, वो फार्मूला पूरा देश में दे दें, क्यों नहीं दे रहा है? तो इतने महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनका मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी हो, कहीं जाके एक बार उनके बारे में पूछा ना, उसके घर पे जाके उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसके बारे में सुना? छत्तीसगढ़ में 32,000 महिला गायब था, तभी इन लोग का पास भी एक महिला ने इनका मंत्रिमंडल का एक बार बयान नहीं दिया।